शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अजय जी, एडिबल ऑयल पैक में हमने यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट बंद होते हुए देखा है। वहां से पोर्टो पर माल रुका हुआ है। उधर सीपीओ और रिफाइंड सोया के भाव बढ़े हुए हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी लगातार तेजी की ओर है और इंडिया में भी बाजारों में, मंडियों में सोयाबीन की आवकों में तेजी के बावजूद जो कीमतें हैं वो भी रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो सोयाबीन अब NCDX पर 7,900 का लेवल दिखा चुकी है, तो क्या आने वाले दिनों में 8,500 या 9,000 का भी लेवल दिखा सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोयाबीन में मार्केट में तेजी का रुख कायम रहेगा। जिस ढंग से तेल के भाव में तेजी बनी हुई है, क्रूड की तेजी से बनी हुई है और पाम ऑयल की तेजी की वजह से इसका कोरिलेशन हम लोग रिफाइंड सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सभी में देख रहे हैं। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमने जो सनफ्लावर का जो सप्लाई वो रुकते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं पूरे एडिबल ऑयल पैक में और खिंचाव रखेगा। मुझे लगता है सोयाबीन टाइमिंग मस्टर्ड की क्रॉप के चलते ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, बट फिर भी मुझे लगता है 7,800 से 8,000 तक का लेवल हम अप्रैल मिड से अप्रैल एंड तक देख पाएंगे। करंट मार्केट से भी सोयाबीन काफी अच्छा लगता है, रिफाइंड सोया अभी भी अच्छा लगता है। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।